बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह खुश होंगे, ब्लेस्ड होंगे और मजे से कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छी तरह इंजॉय कर रहे होंगे। जी तो फ्रेंड्स, रमज़ान का चांद नज़र आ चुका है और मेरी तरफ से सब मुसलमानों को रमज़ान मुबारक। और सुबह पहला रोज़ा है यहाँ साउथ अमेरिका चिल्ली में, सुबह है 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल को पहला रोज़ा है साउथ अमेरिका चिल्ली में। तो इसी मुनासबत से हम जनाब तैयारी कर रहे हैं पहले रोज़े की। अभी इशा की नमाज़ वगैरह पढ़ ली है, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद तो नहीं है, इसी वजह से हम खुद ही जमात वगैरह करवाते हैं और खुद ही पढ़ते हैं। अभी मैं बनाने लगा हूँ जी चने। ये देखें जी, सुबह सैरी करनी है तो मैं आपके साथ ये सारी रूटीन शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि हमने आज सैरी कैसे की। अभी देखें जी, ये सैरी का अहतमाम किया जा रहा है, ठीक है, और मैं अभी बनाने लगा हूँ चने। यहाँ पे चने इस तरह के मिलते हैं, ये देखें ये पड़े हुए हैं, ये देखें जी ये पड़े हुए हैं चने, ठीक है, और ये ऑलरेडी बॉयल्ड हैं, तो अब बस इनको बनाना ही रहता है और अभी मैं बनाने लगा हूँ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही ये देखें जी, ये हमने कैलेंडर भी यहाँ पर लगा दिया है, चस्पा कर दिया है। सुबह रोज़ा है पहला, ये देखें जी 2 अप्रैल को फर्स्ट रमज़ान उल मुबारक है। 6:30 पे सुबह जो है वो पहला रोज़ा रखा जाएगा और इफ्तार कब किया जाएगा? 7:43 पे। तो इतना लंबा रोज़ा होता है यहाँ पे। और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आपका भी सुबह रोज़ा है, यानी कि 2 अप्रैल को रोज़ा है उधर, और आप किस कंट्री के हैं, किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो चलें जी बनाते हैं चने, फिर उसके बाद सैरी करते हैं और सैरी की सारी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये देखें जी, ये चने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें जी, आहा, कितने बेहतरीन किस्म के बने हैं चिकड़ छोले। लाहौर के चिकड़ छोले बड़े मशहूर हैं, तो ये वही रेसिपी है। चलें जी, आप इसको करते हैं बंद और 5 बजे दोबारा आएँगे और खाएँगे। अच्छा जी ये देखें, अच्छा जी ये देखें बुट्टा साहब कितने अच्छे लग रहे हैं। आ हा हा, मेहंदी से कौन सा कलर है बुट्टे? ये वाला पर्पल कलर है। पर्पल? हाँ, तो फिर बुट्टा पर्पल एंड वाइट लग रहा है, जैसे रेड एंड वाइट होता है। और ये अभी चने गरम हो रहे हैं, तो अभी हमने बना के रख दी हैं रोटियां। ये देखें क्या टाइम हो गया है यासर, दही नहीं यार लगा, ये हमने दही इसके अंदर रखा हुआ है। ये देखें जी, दही इसके अंदर रखा हुआ है लेकिन दही अभी तक लगा नहीं है, क्या करें यार, बिल्कुल पानी 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 पानी। तो ये है जी आज की हमारी सैरी। आ हा हा, माशाल्लाह जी। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी बहनों और भाइयों, अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह से सैरी कर ली है और अभी भुट्टा साहब बना रहे हैं जी चाय, चाय बना रहे हैं। और आज मेरी वीडियो का यही मौजू था कि हम साउथ अमेरिका चिल्ली में अपनी सैरी कैसे करते हैं और अपना रोज़ा पहला कैसे रखते हैं। भुट्टा साहब चाय बना के भुट्टा साहब ने रख दी हुई है, तो ये एक कप है भुट्टे, दूसरा कप किधर है, अपने लिए किधर है, मेरे लिए किधर है? चाय को तलाक है, है? चाय को तलाक है यार, ये चाय को भी और कोका कोला को भी तलाक तलाक तलाक। क्यों, इसकी क्या रीजन होगी? डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। हाँ, बुड्ढा साहब को असल में ना दांतों का मसला हो गया था, इस वजह से डॉक्टर ने कहा है कि चाय नहीं पीनी आज के बाद, खत्म। ओहो, अभी जी हमने सैरी कर ली है और ये देखें, अच्छा जी आज हमने सैरी कर ली और फर्स्ट सैरी थी। तो ये सैरी की रूटीन आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अभी हम नमाज़ पढ़ के फजर की यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या आपके वहाँ रोज़ा है आज, और अगर है तो कौन सा रोज़ा है, पहला या दूसरा, और अगर नहीं है
तो किस डेट को होगा पहला रोज़ा, और आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी हैं। रमज़ान अल मुबारक का महीना है, ताला आपको भी खुश रखे और ढेर सारी खुशियां नसीब फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। जी तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि सैरी वगैरह हमने की है और अभी इफ्तारी का टाइम हुआ चाहता है। अभी हम जा रहे हैं जी शॉप पे, कुछ फल वगैरह ख़रीदने हैं, तो चलें जी चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे इफ्तारी कैसे करेंगे। ये है जी ऑन चेलो यहाँ की शॉप, और इसके अंदर जाएंगे और कुछ फ्रूट्स वगैरह ख़रीदने हैं वो लेंगे। पहुँच गए हैं हम, बुड्ढा साहब लड़ पड़े हैं इसके साथ। तो ये है जी आज की हमारी इफ्तारी, ये फ्रूट चाट और ये सारी चीज़ें, ये और बहुत अच्छा रहा आज का इफ्तार। अभी रोज़ा खुलने वाला है, 10-15 मिनट रह गए हैं, और ये बुड्ढा साहब देखें कैसे रूहानी शख्सियत बने हुए हैं। ये क्या है बुड्ढे यार? ये पनीर का सालन है। पनीर का सालन, इंडियन सालन। जी तो मेरे प्यारे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, अभी यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं। और देखा आपने कि हमने कैसे यहाँ पे इफ्तारी की और कैसे सैरी की। तो मुझे नहीं पता कि ये मुझे चीज़ें बतानी चाहिए आपको या नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप कहे रमज़ान की रूटीन कैसी होगी और आप वहाँ नमाज़ वगैरह कैसे पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनानी भी मुनासिब समझी और मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर किसी को अच्छी ना लगी हो तो माजरत पहले से। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। रमज़ान मुबारक वंस अगेन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ढेरों सारी खुशियाँ नसीब फरमाए अल्लाह पाक आपको, और अल्लाह हाफिज़।